इस वक्त देश भर में सिर्फ और सिर्फ नागरिकता संशोधन कानून की ही बात हो रही है, ना सिर्फ आम जनता बल्कि बॉलीवुड स्टार्स भी सीएए को लेकर अपना रिएक्शन आए दिन दे रहे हैं। वहीं हाल ही में कंगना रनौत ने भी सीएए के विरोध पर अपनी आने वाली फिल्म पंगा के ट्रेलर लॉन्च में कुछ ऐसा बोल दिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पसंद नहीं आया। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर कंगना ने ऐसा क्या कहा था। सवाल छोटा सा और था कि आजकल जो देश में माहौल चल रहा है और भारतीय नागरिकता कानून में जो संशोधन हुआ है उसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ है और बॉलीवुड के कई सितारे भी सामने आए हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बताया है। कंगना, आपकी क्या राय है बतौर सिटीजन और बतौर एक्टर? वेल, मेरी राय तो इतनी लंबी चौड़ी है कि यहाँ पे सुबह हो जाएगी, बट आई विल ट्राई टू से समथिंग व्हिच इज नॉट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द इवेंट। आई थिंक जब भी आप किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप वायलेंस को ना, आई थिंक हम लोगों की जो पॉपुलेशन है पूरा सिर्फ 3-4% लोग टैक्स देते हैं, बाकी उसी टैक्स के भरोसे रहते हैं। तो व्हाट गिव्स यू द राइट टू बर्न बसेज एंड ट्रेन्स एंड टू क्रिएट रकस इन द कंट्री, दैट शुड बी लुक्ड इनटू, क्योंकि एक बस 70-80-90 लाख की होती है, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और जो देश की हालत है, जितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं एंड जितना लोग मैल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, इट्स नॉट वेरी रीजनेबल फॉर पीपल टू यू नो डू इंडल्ज इन वायलेंस। एंड व्हेन आई फील दैट डेमोक्रेसी के नाम पे वी आर स्टिल व्हाट आई, दिस माय वेरी पर्सनल ओपिनियन, वी आर स्टिल हंग ऑन टू प्री इंडिपेंडेंस एरा, जब हमारा देश परतंत्र था तो उस वक्त पे जो लोगों ने हमें कैप्चर किया हुआ था, चाहे वो आर्म्स के भरोसे या जबरदस्ती, तो उनके खिलाफ इस तरह की स्ट्राइक्स पे जाना, देश को बंद करा देना या टैक्स नहीं देना, ये सब बड़े कूल चीज़ें होती थी। मगर आज जो एक डेमोक्रेसी ने, कोई आपका जो लीडर आए हैं कोई इटली से या जापान से तो आए नहीं हुए हैं, आप ही के बीच के इंसान हैं जो छोटे से छोटे जगह से उठ के अपने दम पे, अभी मी बीइंग कंगना रनौत यू कैन नॉट से क्या एक फिल्म आपकी गलती से चल सकती है, दो फिल्में, मगर आप 10-15 साल सस्टेन कर रहे हो, यू हैव टू गिव मी दिस मच कि आई एम हियर ऑन माय ओन मेरिट। तो वो डेमोक्रेसी नहीं है कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख के जो बता के जिन शर्तों पर उन्होंने सत्ता पाई है, अगर वो उसको पूरा कर रहे हैं तो क्या वो डेमोक्रेसी नहीं है? तो ये नहीं होता, यू कांट बी अ सोर लूजर। So, like I said, there is a lot to say, but it's better we don't drift into a different direction and we stay where we are. अब जहां कंगना ने ये कहा है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है उसमें सिर्फ 3-4% लोग ही टैक्स देते हैं, बाकी सबको उसी टैक्स के भरोसे रहना पड़ता है, वहीं ये बात सुनकर मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया और लिखा, हिंसा और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना तो हर हाल में गलत है, ये इंसानियत और कानून दोनों के खिलाफ है, पर ये देश सिर्फ 3% लोगों के टैक्स पर डिपेंडेंट नहीं है। एक सामान्य नौकरी पेशा, यहाँ तक कि एक दिहाड़ी मजदूर से लेकर अरबपति तक, देश में हर आदमी टैक्स देता है। वहीं इसके बाद मनीष सिसोदिया ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, एक दिहाड़ी मजदूर भी जब बाजार में माचिस या नमक का पैकेट खरीद कर लाता है तो टैक्स सहित कीमत देकर आता है, चंद अरबपतियों से मिलने वाला इनकम टैक्स ही केवल टैक्स नहीं होता। एक और ट्वीट करते हुए लिखा, और हाँ, एक सामान्य दिहाड़ी मजदूर भी जब सिनेमा देखने जाता है तो फिल्मी सितारों की करोड़ों की कमाई में योगदान भी देता है और इस देश के लिए टैक्स भी देता है। अब सोचिए कौन किस पर डिपेंडेंट है। तो देखा आपने, मनीष सिसोदिया ने कंगना की बोलती बंद कर दी। वैसे आपको क्या लगता है, कंगना और मनीष में से कौन सही है और कौन गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंडस्ट्री में तो आपने जिससे भी पंगा लिया, ऐसे दिल खोल कर पंगा लिया, सो ऐसे कोई मेमोरेबल पंगा जो आपको पूरी लाइफ भर याद रहेगा कि हाँ, इनसे पंगा लेना काफ़ी मेमोरेबल रहा मेरे लिए? मेमोरेबल पंगा, अच्छा हुक लाइन है गाने के लिए, अच्छा हुक लाइन है गाने के लिए। वेल, आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे इंडस्ट्री के ही लोगों से पंगा लेके आए हो, आपको पता है वो कितने चार्मिंग हैं सबके सब, कितने कितने अच्छे से पीछे से जाके वार करते हैं, सामने तो कुछ नहीं कहते, सामने गले लगाते हैं, आपको किस करते हैं और पीछे से जाके आपके लिए प्लॉटिंग प्लानिंग करते हैं। इंडस्ट्री के ही लोगों से पंगा लेके आए हो, आपको पता है वो कितने चार्मिंग हैं सबके सब, कितने
कितने अच्छे से पीछे से जाके वार करते हैं, सामने तो कुछ नहीं कहते, सामने गले लगाते हैं, आपको किस करते हैं और पीछे से जाके आपके लिए प्लॉटिंग प्लानिंग करते हैं, तो आपको पता नहीं कहाँ से कब किसके जरिए पड़ेगी, तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑल द टाइम. तो आई थिंक वही सबसे ज़्यादा मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है. जैसे मेरे मित्र ने जिक्र किया पंगा, कोई ऐसा पंगा जीवन में जो आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए था या भारी पड़ा? आई थिंक मैंने जब भी जिंदगी में पंगे लिए हैं तो मेरी ग्रोथ हुई है. जब मैं बहुत छोटी थी, 15 साल की थी, तो मैंने अपने फादर से पंगा लिया था, एंड दैट वाज द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू डू, एंड दैट लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ. मगर एसेंशियली अगर मैंने वो पंगा नहीं लिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती जहाँ हूँ. सो हर पंगा हैज़ गिवन अ न्यू लैंडमार्क इन माय लाइफ. तो वैसे तो आई वुड नॉट एक्सचेंज वेर आई एम टूडे फॉर एनी थिंग, कोई भी पंगा चलेगा. कंगना, योर केमिस्ट्री विद जस्सी इज एब्सोल्युटली एंडियरिंग टू वॉच ऑन स्क्रीन. स्लाइटली टुवर्ड्स योर राइट हियर इफ यू कैन सी मी. या ऊपर. ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पर यू किक जस्सी. माई क्वेश्चन इज, कितने रिटेक्स लेने पड़े थे उसके लिए? उसके लिए मैंने कुछ जान के भी कुछ रिटेक्स किए थे, बिकॉज जस्सी जो है बहुत खुश रहता है, और मैंने सोचा इसकी, ये बहुत ज़्यादा खुश इंसान है, तो इसको थोड़ा सा तो टेंशन दी जाए. आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट देर आर बोथ नॉट ऑफ द सेम नेचर. कई बार जो दो फिल्में होती हैं वो एक जैसी ही होती हैं, चाहे उनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है, कहानी अलग हो लेकिन उनकी टारगेट ऑडियंस अलग नहीं होती. लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है. स्ट्रीट डांसर की टारगेट ऑडियंस अलग है और हमारी अलग है, सो विच इज़ अ काइंड ऑफ अ रिलीफ. आई वुड लव टू हैव अ सोलो रिलीज टू बी ऑनेस्ट, मगर लाइक अश्विनी जी सेड, दिस इज़ नाउ अ फार फेच ड्रीम. अश्विनी, हाई, दिस इज टू ईयर राइट, दिस इज मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड. कंग्रेचुलेशंस ऑन द वंडरफुल ट्रेलर, एंड आई थिंक स्पेशल कंग्रेचुलेशंस टू लिटिल आदि हियर. माय क्वेश्चन टू यू इज, यू स्पोक एट द बिगिनिंग दैट दिस इज अ फिल्म दैट रेजोनेट्स विद यू. So I wonder, with regards to the character of Mr. Jesse Gill, is there a bit of Mr. Nitesh Tiwari in him as well? No. Oh, why would that? It's a very personal question, but unfortunately, no. I think he's a very quiet person. All of you know him. He's pretty quiet and reserved, and there are no surprises in our lives. But in terms of support, in terms of my face is glowing right now. So, in terms of support, in terms of the silent push which we always need, he is not here today. The reason he's not here today is because he said that, you know, the moment I come and sit there in the audience, the camera will shift towards that. Is because this is the kind of society we live in. So, you please enjoy that whole thing, and I'm not going to be there. I'll meet you in the night. And it's important that we as journalists and we as media people really push more and more women and your family, your wives, your daughters, and also people like us, is because I'm because of y'all. And if I'm always termed as some so-and-so's wife who made a film, I made the best film last year, 2 years back, and I was still called as Nitesh Tiwari's wife. If you guys change that, everything else will change. So it comes from you all. And then I do not have to keep saying, you know what, I'm an individual. Can my name just be the way I am? So yes, it's all about you. And if you give all of you all together, from the time you just don't become someone's daughter, someone's wife, Mrs. Q, I think things will change, you know. I'll just give you a simple example. Day before yesterday, we had to go and change our electricity bill. Name on an electricity bill. So Nitesh had gone, he had taken my sign and everything. And she said, oh, madam ne change nahi kiya surname. So he said, nahi kiya. So, you know, these are the things which sometimes troubles me, but it's fine. Everyone else, we all are, I'm sure there are a lot of women mothers out here and they all feel the same. So it's okay. बस मैम, वहीं पे. पीछे से क्लियर. मैम सेंटर मैम. कंगना मैम सोलो. मैम सोलो.
जस्सी पाजी लास्ट सेंटर में मैम, यहाँ पे